हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी उमेर अकबर सरकानी। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद है कि आप सब भी खैर से होंगे। बस मेरे साथ मेरे दोस्त हामिद भी है और अभी हम जा रहे हैं शाह से, ड्यूटी से आए हुए हैं और उनकी छुट्टियाँ हैं तो अभी उनके पास हम जा रहे हैं। कल रात भी हमने तकरीबन आधा घंटा या 40 मिनट उसके साथ गुजारे थे, लेकिन अभी फिर से हम उसके यहाँ जा रहे हैं। तो आज का व्लॉग अभी से शुरू करते हैं पूरा देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लेट्स स्टार्ट टुडेस व्लॉग। अल्लाह ये देखे ना प्यारे प्यारे बच्चे जमा सुन दीमान उमेर सरकानी देख और दे शावे। फाइनली गाइज हम शाहसेद के घर के सामने ही खड़े हैं, लेकिन वो घर पे नहीं है। अभी मैंने उसे फ़ोन किया तो उसने कहा कि मैं वहाँ पे कब्रिस्तान है उस तरफ चले गए हो, कि मैं कब्रिस्तान के करीब ही हूँ। तो अभी उनके पास हम जा रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 4-5 लेमू भी अपने साथ ले हैं, क्योंकि उन्होंने फ़ोन किया हुआ था कि अपने साथ 4-5 लेमू ले आए। अभी मैं आपको बाद में बताता हूँ कि ये मैंने क्यों लाए हैं। वीडियो क्यों होना क्यों संगा वी कजा वी अच्छा। तो अभी यहाँ से हमने वापस जाना है, वहाँ इनका घर है सामने ही, वहाँ पर बैठकर हम गपशप लगाएंगे और व्लॉग भी बनाएंगे। तो आइए चलते हैं। बस यार मैंने अपनी बाइक वहाँ पर ही छोड़ दी और अभी हम जा रहे हैं लेमू, हम जिस चीज़ के लिए हमने लाए थे। तो शाहसेद घर चले गए हैं, वहाँ से वो जेग लाएगा और गिलास वगैरह, फिर हम वहाँ जा रहे हैं और गन्ने का जूस पियेंगे तो उसमें डालेंगे लेमू को और पियेंगे फ्रेश ताज़ा ताज़ा बिल्कुल नेचुरल। ये देखे ना माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है हमारा गऊ, प्यारा प्यारा गऊ। तो रस ले के आएंगे वापस इधर आके पी लेंगे, आ जाओ। हाँ अच्छा, तो गाइज हम पहुँच चुके हैं यहाँ। वालेकुम अस्सलाम। अलग दाखा दे तकड़ा दे। ओह अजीब चीज तैयार कर रहे हैं। दाद शीर जी दाखल को तो खाया। दी तो साबुने हुई साबुने। दाद घोड़ा जी ताजा दे संगर आवाज ये ना। आओ मखे सारे थे। پیرمبی دے سے اولڑی را اولڑی دے صابونے او دے نہ دا صابونے جوڑ کی دیکھو گا ہاں او دا بیا خلق خوری او دا زتے جدا مزے اوے لکا گریب ہے میں سو ار سو نہ کھا ہاں صابونے منگا دا صابونے او پتہ نہیں جن نور خلق ور دسوئی دا ٹیم پے اگبان جوڑے کنا او دے کی چ پلی وا چار سب یاری رمضان ज़्यादा मखीना। अभी वापस हम वहाँ जा रहे हैं और शासी दो खाए देखा ना। शासी ने हाथ में जग लिया हुआ है जिसमें गन्ने का जूस है, तारा का नतीजा उखरू। और ये देखे ना ताज़ा गुड़। ये जो सामने घर आप देख रहे हैं, तकरीबन एक माह पहले जब हम यहाँ पर वो कुकिंग वगैरह कर रहे थे तो उस टाइम यहाँ पर ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं थी देखो। और अभी माशाल्लाह घर बस बिल्कुल तैयार हो गया है, थोड़ा बहुत काम इसमें रहता है लेकिन वो कुछ भी नहीं है, वो जल्दी हो जाएगा। इसमें बस कलरिंग वगैरह और टाइल्स मार्बल्स वगैरह लगना सिर्फ बाकी है, बाकी सारा घर तैयार हो गया है। इकरार भाई का जो कि शाहसेद के सगे भाई हैं, ये देखो ये एक कमरा हो गया। अलग है इकरार कोर दे बकी ना, और इकरार ख़ुद मलेशिया में है। ये देखो दूसरा कमरा ये हो गया, तीसरा कमरा और ये हो गया किचन। देख लो यहाँ पर वॉशरूम है, अभी लॉक है ये, और ये बैठक है। ये देखें इसका एक गेट बाहर की तरफ होगा, फिलहाल इसे बंद कर दिया गया है, अलबत्त इसमें फिर गेट लगाया जाएगा। ये देखो जूस बिल्कुल तैयार हो गया है। ओए होए मामा बाबा दा मेहमान रा संगा दी सारे माल के ओबो मोबो फेस कम ना देर जबरदस्त यार मेरा माल है नरा के मुझे नहीं दे रहे ये लोग। तीन गिलास है, तीन लोग है और मुझे कहते हैं कि आप सिर्फ वीडियो बनाओ। वाले उन्हीं सा फैंटास्टिक है यार, ये ओल ऐसा बिल्कुल फ्रेश देखते हुए दे मामू ताजा लेमन लेमन और नेचुरल ऑर्गेनिक। अच्छा तो गाइस जूस हमने पी लिया, संगा वाला का जूस कैसा था यार? बहुत जबरदस्त मजा आ गया।
और स्पेशल था ना स्पेशल मामा जूस संग संग जूस खाओ का ना देर खर्चा देर जबरदस्त आओ तसे संग देर जबरदस्त देर आला देर देर देखिए खबर ही नहीं। अच्छा तो गाइस अभी यहां से हम वापस जा रहे हैं और आज फिर से हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। अभी शासिर ने कहा कि मैंने गोश्त लाया हुआ है और आज हम पोख बनाएंगे, तो इंशाल्लाह असर के टाइम जब असर का नमाज हम पढ़ेंगे तो बाद में फिर हम आएंगे यहाँ पे दम पोख बनाएंगे और मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें एक अलग सा व्लॉग बनाऊँ। तो खैर अभी आज का व्लॉग यहीं पे ही ख़त्म कर देते हैं, तो मिलते हैं कल के व्लॉग में। अपने भाई उमर अकबर को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।